दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और हेल्दी निदान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्दी निदान। दोस्तों स्वास्थ्य के लिए दो ही आदमी जिम्मेवार होता है, एक स्वयं आप और दूसरा डॉक्टर। अगर आप खुद में कुछ ज्ञान अर्जित कर लें, कुछ ऐसे आपको लाइफ स्टाइल को मैनेज कर लें और अपने कुछ व्यवहारों में तब्दीली कर लें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपको मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा अगर डॉक्टर है जो आपके स्वास्थ्य की देखभाल करता है। अगर आप कुछ ऐसे टिप्स हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं, कुछ बीमारियों के विषय में जानकारियां हैं जिसमें गलतफहमी ज्यादा होती है, मिथ ज्यादा होता है, फैक्ट कम होता है, अगर उसको आप जान लें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कुछ ही चीज को फैक्ट के विषय में हम कैसे जाने। लास्ट वीडियो में जब हम हाइपरटेंशन के विषय में डिस्कस कर रहे थे वहां हम बताए थे कि हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए यानी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में सबसे पहला चीज था वो था वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर आपका फॉल करता है, आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की तरफ आप अग्रसर होते हैं, आप हाइपरटेंसिव से नॉर्मोटेंसिव हो जाते हैं। उसका फॉर्मूला था कि अगर 1 kg वेट अगर आप कम करते हैं तो आपका 1 mm ऑफ HG आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डाउन होता है। इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि वेट लॉस में क्या क्या फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए तो वेट लॉस होता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को भी इस वीडियो के थ्रू किसी कुछ भी जानकारी मिले। दोस्तों आज हम जो बताने वाले हैं वो रोटी और चावल के बीच में जो गलतफहमी है, जो मिथ्स है, उसको हम फैक्ट में बदलने वाले हैं कि आप गलतफहमी से बाहर निकल के कुछ जानकारी लीजिए। तो आइए जानते हैं कि रोटी और चावल, अगर हम रोटी 100 ग्राम खाते हैं या चावल 100 ग्राम खाते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, कौन अच्छा है कौन बुरा है या दोनों की वैल्यू बराबर है, इसी को हम आज बताएंगे। और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतफहमी है। तो अगर हम 100 ग्राम लेते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट करें न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर हम कैलकुलेट करें न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम अगर ले हम, तो पहला है व्हीट फ्लोर, ठीक है, मतलब हम कहें रोटी, अगर रोटी 100 ग्राम हम लेते हैं, 100 ग्राम लेते हैं तो इसमें प्रोटीन हमको कितना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा और इसमें कैलोरी कितना मिलेगी। अगर प्रोटीन कितना मिलेगा, कार्ब्स कितना मिलेगा और कैलोरी कितना मिलेगी हमको, कैलोरी। तो अगर और अगर हम राइस लेते हैं, व्हाइट राइस लेते हैं तो हमको इसमें प्रोटीन कितना मिलेगा। तो इसको हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। आपको इसमें प्रोटीन मिलता है 12 ग्राम, इसमें मिलता है आपको 8 ग्राम, इसमें कार्ब्स मिलता है 70, कार्बोहाइड्रेट इसमें मिलता है 80 ग्राम और कैलोरी की बात करें अगर तो इसमें मिलता है आपको 350 और इसमें मिलता है 345 कैलोरी मिलता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, करीब करीब इतना मिलता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसमें जो है व्हाइट आपको व्हीट फ्लोर यानी रोटी में थोड़ा फाइबर ज्यादा होता है, फाइबर जो होता है रोटी में मोर देन राइस होता है। आपको रोटी में जो है फाइबर जो होता है राइस से ज्यादा मिलता है। प्रोटीन की जहां तक हम बात करते हैं तो प्रोटीन जो है रोटी में 12 ग्राम मिलता है और चावल में 8 ग्राम मिलता है। कार्ब्स की अगर बात करें तो आपको कार्ब्स जो है 70 ग्राम मिलता है यानी कार्बोहाइड्रेट रोटी में और इसमें 80 ग्राम मिलता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ओवरऑल अगर कैलोरी की बात करें तो यहां पे 350 के आसपास कैलोरी मिलता है, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहां तो अगर कैलोरी ओवरऑल कैलोरी की बात करें तो
तो लगभग जो है कैलोरी दोनों में बराबर होता है, तो कैलोरी वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछे तो ये कह सकते हैं कि फाइबर ऐड होने के कारण जो रोटी है चावल से थोड़ा बेटर है, परंतु अगर 100 ग्राम पर 100 ग्राम में अगर हम कैलोरी की कैलकुलेशन करें तो दोनों में लगभग बराबर है। तो अगर आपको वेट को मैनेजमेंट करना है, वेट को मैनेज करना है, वेट को रिड्यूस करना है, या आपको आपको शुगर को रिड्यूस करना है, आपको अपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, आपको वेट को कंट्रोल करना है, तो इस कैलोरी को ध्यान में रख के ही खाना खाना। यानी अगर 100 ग्राम आप रोटी यानी 4 रोटी खाते हैं और एक बाउल 100 ग्राम अगर आप चावल लेते हैं तो वही कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, तो और कैलोरी लगभग बराबर मिलती है, तो कोई बेसिक डिफरेंस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि अगर हम रोटी खा ले तो मेरा शुगर कंट्रोल हो जाएगा, मेरा वेट कंट्रोल हो जाएगा, मैं चावल खा लूंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इस तथ्य को जान लीजिए, देख लीजिए, ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अप्रूव्ड है, ये कोई नया सिगुफा नहीं है, ये मेडिकली अप्रूव्ड है, आप जाके ICMR की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो इस चीज को आपको जानना होगा, इस जो है फैक्ट यही है, मिथ्स में नहीं पड़िएगा। तो दोस्तों, ये आपको रोटी और चावल का बेसिक डिफरेंस था कि अंतर है या नहीं। तो आज तो आप समझ में आ गए होंगे कि जो भी हम बताए इस आधार पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि और लोगों को भी इस जो गलतफहमी है इसके विषय में पता लगे। धन्यवाद।